आना चाहते हैं सामने आ जाए आपके साथ, आइए आइए आइए, फ्रंट लो जो ये, हाँ 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 हाथ, वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू, लुकिंग वेरी नाइस, यस या रेडी सर, इधर आइए आप, इधर इस तरफ आइए, इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, इसका जो मार्केट है और जो जो यहाँ के लोग हैं, कितना लगता है कि आपके लिए मुश्किल होने वाला है या आसान होने वाला है आने वाले फ्यूचर में आपको इस ब्रांड को लेकर? ऐसे कोई भी ब्रांड एक नया कंट्री में लाना, उसकी स्टोरी बताना, एंड देन इन द एंड क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, क्वालिटी है, प्राइस राइट है, कंज्यूमर ये लाइक इट, कंज्यूमर को दिमाग में रख के प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो हर चीज़ चलती है। ये प्लेटेड आपने जैसे कहा कि जैसे गोल्ड प्लेटेड है, साइड में गोल्ड है लगा हुआ, इसको लेकर कितना मतलब कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके के कस्टमर को आप अप्रोच करने वाले हैं, कैसा कस्टमर आपके लिए एक दिमाग में होगा कि हाँ मुझे इस कस्टमर को अप्रोच करना है या इंडिया मार्केट को देखते हुए? सी, हमारा पर्सनली मेरा जो प्लान है, मतलब हाई एंड कस्टमर्स इंडिया में तो बहुत सालों से ये सब ले रहे हैं, उनके पास एक्सेस है, तो ये हम जो लॉन्च कर रहे हैं मतलब नॉर्मल उनके लिए है, बट इट्स स्टिल वेरी गोल्ड, पूरा गोल्ड प्लेटेड है जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, तो प्राइसिंग हमने उस हिसाब से लॉन्च किया है कि ये अफोर्डेबल है सबके लिए, ऐसा नहीं है कि खाली हाई एंड कस्टमर कर रहे हो, तो उसको स्पेशली शादियों में, त्योहारों में लोगों को काफ़ी ये अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे, क्या है क्वालिटी और इसको अगर हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में तो क्या रहेगा उसका? तो ये प्रोडक्ट हमने जो बनाया है वो डेली लाइफ के लिए बनाया है कि आप उसकी क्वालिटी, ये जो है पूरा श्रीलंका से टेक्नोलॉजी है, श्रीलंका से इसका रॉ मटेरियल बन रहा है और जैपनीज ने ये बहुत साल पहले श्रीलंका में अप्लाई किया और हम
उनको लेके आए हैं। अगर बातें करें अगर आप, तो आप एक टॉयज से शुरुआत आपने किया, एक टॉयज ब्रांड रहे हैं, फिर इसके बाद आप यहाँ पर एंट्री किया आपने, तो ये सफ़र कैसा रहा है आपका और कितना मुश्किल और कितना अच्छा रहा है आपका सफ़र? सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने जब स्टेशनरी से शुरू किया था तब सबने बोला आप स्टेशनरी वाले हो, टॉयज कैसे बनाओगे? हमने प्रूव किया कि हम टॉयज भी बना सकते हैं, टॉयज भी बेच सकते हैं और बहुत अच्छा क्वालिटी के टॉयज बन रहे हैं हमारे यहाँ। और बाद में लोगों ने बोला कि अब आप होम लाइन में जा रहे हो, तो कैसे, क्योंकि टॉयज और स्टेशनरी बच्चों का हो गया, हम लोग मदर्स के लिए भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाने वाले हैं विच इज़ अफोर्डेबल एंड सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो हम होम लाइन में ये शुरुआत है और इसके बाद बहुत सारे नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, बहुत सारे नए ब्रांड्स हम इंडिया लेके आ रहे हैं आगे इस साल करने से। तो फ्यूचर में आपका और क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है इसको लेकर, या और भी ब्रांड के साथ आप जुड़ने वाले हैं या कुछ लॉन्च करने वाले हैं जो ब्रांड अभी इंडिया में जो अवेलेबल नहीं है? आई थिंक वही प्लान है, जो इंडिया में ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है उनको अवेलेबल करें, और प्राइसिंग क्वालिटी ऐसा है बिकॉज इंडिया का स्टैंडर्ड मतलब बहुत इग्नोर किया हुआ है, और अब यू नो इकोनॉमी के साथ में स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लोगों की नीड्स बढ़ रही है, लोग बाहर जाते हैं, बाहर देखते हैं सामान को, इंडिया में नहीं मिलता है। तो हम प्लान वही है कि हम पूरा एक लिविंग हाउस होल्ड को एक लेवल ऊपर ला के सबके लिए एक्सेस प्रोडक्ट्स होने से बनाए। अगर प्राइस की बात करें तो आपने प्राइस किस तरीके से रखा है कि क्या? इंडिया प्राइस बहुत सेंसिटिव मार्केट है, तो प्राइस इज ऑलवेज यू नो नंबर वन। हम लोग हमेशा जो भी लाते हैं, जो भी ब्रांड इंडिया में लॉन्च करेंगे, प्राइस इज नंबर वन, क्योंकि अफोर्डेबल होना चाहिए, बहुत हाई भी नहीं बहुत लो भी नहीं, पर इट्स अफोर्डेबल होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। निश्चय भाई मेरे बदले आंसर है।